हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले जमुना ऑटो कंपनी के। मार्केट में क्वार्टरली 4 रिजल्ट्स आ चुके हैं, सो इस रिजल्ट्स के चलते हुए आपको इस शेयर में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड एज वेल एज डाउन साइड में, और कंपनी के रिजल्ट आने के बाद आपको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आपको इस शेयर के अंदर, इस कंपनी के अंदर क्या रखना है, तो वो सब बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हर दिन अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस, उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड अप टू द पॉइंट ब्रेकिंग न्यूज एज वेल एज कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो सबसे पहले हम अपने चैनल पर वीडियो शेयर करेंगे। तो आप चैनल से जरूर बनिए रहेगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जमुना ऑटो का जो काम है, मेनली कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, सस्पेंशन हो गया या फिर कोई भी छोटे मोटे जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर इस कंपनी का बिजनेस है। सो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 0.5 रुपीज का पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके साथ साथ में अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो वो 41% बढ़कर हो चुका है 487 करोड़ रुपीज, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली वाइज वो भी 56% बढ़कर हो चुका है 47 करोड़ रुपीज, और जो कंपनी का रेवेन्यू ऑन एन ईयरली बेसिस वो कंपनी का 102% और जो कंपनी का रेवेन्यू है, जो स्टार्टिंग का जो हमारा सेंटेंस है, दैट इज रेवेन्यू राइजेस 41% YOY, वो गलती से YOY लिखा गया है, बट उसकी जगह कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 41% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर हो चुका है 487 करोड़ रुपीज, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 56% बढ़कर हो चुका है 47 करोड़ रुपीज। सो क्वार्टरली वाइज कंपनी के रिजल्ट्स काफी बेहतरीन है, और आपको कल इस शेयर में एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज आज आपको इस शेयर के अंदर ज्यादा वॉलिडिलिटी आपको देखने को नहीं मिली, और कल आपको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स जरूर देखने को मिल सकता है इस शेयर के अंदर। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की सबसे बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, दैट इज 102% YOY बेसिस के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है 487 करोड़ रुपीज, एज वेल एज जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी 327% बढ़कर हो चुका है 47 करोड़ रुपीज। सो ये एक नेक्स्ट अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक भी बन सकता है। कंपनी का परफॉर्मेंस इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी काफी बेहतरीन आया है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात होगी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म बेट करने के लिए। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 3,307.25 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है। उसके साथ में डिविडेंड है इसका 40% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज डिविडेंड यील्ड इसका है सिर्फ 0.48%। हालांकि अगर आप इस कंपनी में फॉर डिविडेंड पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप मत करिएगा, उसकी वजह आप इस कंपनी का जो ग्रोथ देख रहे हो, कंपनी का जो रेवेन्यू, जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है वो काफी अच्छी बात है, तो मेरे हिसाब से आप उस तरीके से इस कंपनी पे बेट कर सकते हो। बीटा है इसका 1.04%, जो कि आपको एक मीडियम स्टॉक जरूर बताते हैं, मीडियम रिस्क स्टॉक बताते, जैसे कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर 1% का अपवर्ड मूवमेंट आता है तो इसके अंदर भी ऑन एन एवरेज बेसिस 1.04% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग करंटली चल रहा है 52.39, बट ये एक ओवरवैल्यूड प्राइस टू अर्निंग पे जरूर मिल रहा है, दैट इज 84.69 के प्राइस टू अर्निंग पे जरूर मिल रहा है, और प्राइस टू बुक भी इसका काफी ज्यादा है, महंगा है, दैट इज 6.34, और बुक वैल्यू इस शेयर की 13.09 रुपीज। अगर हम इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं 2017-18 एज वेल एज 19 का जो परफॉर्मेंस देख रहे हो आप, कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। हर साल कंपनी का जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, उसके अंदर आपको एक अच्छा सा ग्रोथ जरूर देखने को मिला, डिस्पाइट 2020 में कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, बट फिर से कंपनी ने टर्न अराउंड कर लिया है, कंपनी का परफॉर्मेंस फिर से बेहतरीन होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इस शेयर का 5 ईयर हाई प्राइस भी देखते हैं तो वो है 102.95 रुपीज़, हालांकि आज इस शेयर में सिर्फ 0.54% का ही अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिला है, और क्लोज किया इसने 83.45 रुपीज़ के आसपास। अगर आप चाहते हो तो मेरे हिसाब से कंपनी के रिजल्ट्स काफी बेहतरीन है, तो मेरे हिसाब से अगर कल समझ लो एक अच्छा सा गैप अप ओपनिंग होता है तो मेरे हिसाब से आप शॉर्ट पोजीशन जरूर बना सकते हो जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के अंदर। हालांकि अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 70 का जो प्राइस लेवल है वो काफी बेहतरीन होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर यह शेयर 70 रुपीज के नियर बाय आता है लगभग 15-20 डेज के अंदर भी, तो मेरे हिसाब से आपको 70 या फिर 72-74 के लेवल पे आपको इस शेयर में बाइंग जरूर करनी चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की जो मार्केट में क्वार्टरली 4 रिजल्ट्स आए उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी के डेटा रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो टिल देन
बाय बाय।